तो ये है अर्थ पर बनी हुई इमेजिनरी आइडियल यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, जो ये डिसाइड करती है कि अर्थ में किस प्लेस पर कौन सी डेट होगी। लेकिन आखिर ये स्ट्रेट होने के बजाय इतनी ज़िगज़ैग क्यों है? तो देखिए, आइडियल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कहते हैं और ये पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। आइडियल को क्रॉस करते ही डेट चेंज हो जाती है क्योंकि अर्थ लगातार रोटेट कर रही है और एक रोटेशन कंप्लीट होने पर एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो आइडियल असल में कंप्लीट रोटेशन के रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करती है। आप जब वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आइडियल को क्रॉस करते हैं तो आप एक दिन लूज कर देंगे। यानी उदाहरण के लिए, अगर आप यूएसए से 28 मार्च को निकलते हैं और जापान ट्रैवल करते हैं तो जापान पहुंचने पर डेट 29 मार्च हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए आइडियल को क्रॉस करते हैं तो आप एक दिन गेन कर लेंगे। यानी अगर आप जापान से 28 मार्च को निकलते हैं और यूएसए ट्रैवल करते हैं तो आप यूएसए 27 मार्च को ही पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल डेट लाइन के ईस्ट और वेस्ट में अलग अलग डेट्स होती हैं। ऐसे में ये जरूरी था कि आइडियल को बनाते समय ये ध्यान रखा जाए कि वो किसी लैंड पोर्शन से पास ना हो, वरना अगर आइडियल किसी कंट्री से पास होती और लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड करती तो उसके दोनों हिस्सों पर अलग अलग डेट्स होती। यही कारण था कि आइडियल स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकती थी, क्योंकि बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मौजूद थे, इसीलिए इसे ज़िगज़ैग मैनर में बनाया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंटरनेशनल डेट लाइन की।